हेलो माय डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू आर आर वेल माय सेल्फ सोनल टनिल फ्रॉम अश्वमिंग विद्यालय चिल्ड्रंस टुडे वी आर लर्न जीके एंड जीके नेक्स्ट यूनिट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हम आज पढ़ेंगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के बारे में ओके गवर्नमेंट यानी कि सरकारी इमारत स्टार्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मैनी लैंडमार्क बिल्डिंग्स इच हैज़ इट्स अवन स्पेशलिटी एंड इम्पोर्टेंस टुडे लेटर्स नो अबाउट फ्यू सच इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स तो हम देखते हैं कि भारत सरकार के पास कई ऐतिहासिक ऐतिहासिक इमारतें हैं प्रत्येक की अपनी एक विशेषता है और एक इम्पोर्टेंस है ओके स्पेशलिटी यानी कि विशेषता इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व है तो हम आज कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स के बारे में जानते हैं सो स्टार्ट राइट द करेक्ट नेम टू नो द आंसर तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन बिल्ड इन द नाइंटी एंड लॉकेट इन दिल्ली दिस बिल्डिंग इज होम टू सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंस मिनिस्टर्स ऑफ द कैबिनेट ऑफ इंडिया कि यहाँ पे हमको कहा गया है कि 1910 में निर्मित और दिल्ली में स्थित यह इमारत यह जो इमारत है जो आंसर आएगा वो यही कुछ बिल्डिंग से उसमें से ही आएगा तो यह इमारत भारत के मंत्रिमंडल के मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिमंडल के कुछ सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का घर भी है सो दिस बिल्डिंग्स नेम इज सेक्रेटरीट बिल्डिंग हियर आप यहां पर देख सकते हैं बिल्डिंग्स सो आंसर इज सेक्रेटरीट बिल्डिंग हम यहां पर आंसर लिखते हैं सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स ओके फर्स्ट वन हो गया सेकेंड दिस बिल्डिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ कलकत्ता इज द सेक्रेटरेट बिल्डिंग फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल प्री इंडिपेंडेंस इट वॉज द यूज एंड एंड ऑफिस फॉर द राइट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज इट्स नेम के राजधानी कैपिटल यानी कि राजधानी कैपिटल का मतलब है राजधानी राजधानी कलकत्ता की यह जो इमारत है वो पश्चिम बंगाल राज्य की राज्य सरकार के लिए सचिवालय भवन है यह स्वतंत्रता पूर्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों के लिए एक कार्यालय के रूप में इस्तेमाल की गई थी सो दिस नेम इज राइटर्स बिल्डिंग दिस नेम इज राइटर्स बिल्डिंग सो हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं राइटर्स बिल्डिंग आप यहां पे देख सकते हैं यह है राइटर्स बिल्डिंग थर्ड वन द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट न्यू दिल्ली के नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास सो दिस नेम इज दिल्ली राष्ट्रपति भवन दिल्ली राष्ट्रपति भवन आप यहां पे दिल्ली राष्ट्रपति भवन देख सकते हो सो so, आंसर इज दिल्ली राष्ट्रपति भवन ओके okay? चिल्ड्रन ये आंसर यहां पे आएगा हमने फोर्थ में लिख दिया है दिल्ली राष्ट्रपति भवन यहां पे आएगा दिल्ली राष्ट्रपति भवन नेक्स्ट चिल्ड्रन फोर्थ वन दिस बिल्डिंग इज नो एज द संसद भवन एंड इज इन न्यू दिल्ली द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा आर लॉकटेड विद इन इट्स वॉल्स की इस इमारत को संसद भवन के रूप में भी जाना जाता है और यह नई दिल्ली में स्थित है संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा इसकी दीवारों के भीतर स्थित है सो आंसर इज पार्लियामेंट हाउस हियर पार्लियामेंट हाउस पार्लियामेंट हाउस ओके चिल्ड्रन नेक्स्ट फिफ्थ वन लॉटेड इन न्यू दिल्ली दिस बिल्डिंग कैम्प इन टू बीन ऑन ट्वेंटी एट जानवरी नाइनटीन फिफ्टी इट कंपल्सरीज ऑफ द चीफ जस्टिस एंड द थर्टी अदर जज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज़ द हाइस्ट जजिकल पावर एंड द फाइनल कोर्ट एपियल ऑफ इंडिया कि नई दिल्ली में स्थित यह जो इमारत है वो ट्वेंटी एट जानुरी नाइन्टीन फिफ्टी को अस्तित्व में आए हैं इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और थर्टी अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। यह भारत की सर्वोच्च न्यायिक शक्ति और अंतिम अदालत अपील है सो दिस आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपने नाम तो सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ India Supreme Court of India. Okay, next six one. This magnificent white building is the seat of the Chennai Corporation in Chennai, Tamil Nadu. दिस मैग्निफिशेंट वाइट बिल्डिंग इज सीट ऑफ द चेन्नई कॉरपोरेशन इन चेन्नई तमिलनाडु में हमें क्या कहा गया है चिल्ड्रन कि यह शानदार सफेद इमारत चेन्नई तमिलनाडु में चेन्नई कॉरपोरेशन की सीट है सो so, आप यहाँ पे देख ही सकते हो वाइट कलर ओके रिपोन बिल्डिंग्स आंसर रिपोन बिल्डिंग डॉक्टर इन कोलकाता दिस बिल्डिंग इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की कोलकाता में यह स्थित भवन पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का आधिकारिक आवास है सो आंसर इज राजभवन राजभवन ओके नेक्स्ट लॉकटेड इन द साउथ मुंबई एंड द बिल्ड नाइनटीन फिफ्टी फाइव बिल्डिंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द महाराष्ट्र सो हम यहाँ पे कहा गया है कि दक्षिण मुंबई में स्थित और 1955 में निर्मित यह भवन महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय है सो दिस आंसर इज मंत्रालय दिस आंसर इज मंत्रालय मंत्र मंत्रालय ओके नेक्स्ट अल्सो नो एज द पंचवती दिस बिल्डिंग इज द ऑफिशियली रेसिडेंस एंड द प्रिंसिपल वर्क प्लेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नो यानी कि हम जानते हैं पंचवती के रूप में भी जाना जाता है ओके जानने वाला ये जो भवन है वो भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास और प्रमुख कार्यस्थल है सो दिस आंसर इज हम यहाँ पे देख सकते हैं सेवन लोक लोक कल्याण मार्ग देखो यहाँ पे है सेवन लोक कल्याण मार्ग लोक कल्याण मार्ग नेक्स्ट तेन दिस बिल्डिंग लॉकेट इन द बेंगलुरु इज द सीट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित यह इमारत कर्नाटक के विधायिक की सीट है सो दिस आंसर इज विधान दिस आंसर इज विधानसभा यानी कि हम कह सकते हैं विधान सौदा ओके okay? विधान सौदा विधान सौदा सो इस तरह से हम यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के बारे में जान सकते हैं तो चिल्ड्रंस आपको ये लर्न करना है और लर्न करके ये टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना होगा अब हम नेक्स्ट यूनिट देखेंगे सो नेक्स्ट यूनिट द किंगडम स्ट्रेंज एनिमल्स अजीब जानवर यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट अराउंड थर्टीन लैक्स सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव आइडेंटिफाई एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ टुडे एंड द नंबर इज मूविंग हायर एवरी डे टुडे लेटेस्ट नो अबाउट अ फ्यू एनिमल्स वी हैव नेवर हर्ड ऑफ सो आज हम जानेंगे अजीब जानवरों के बारे में कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आज पृथ्वी पर लगभग तेरह लाख सिक्सटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव आइडेंटिफाई एनिमल्स जो जानवरों हैं उसकी पहचान है की गई है और इसकी संख्या में प्रतिदिन बढ़ावा हो रहा है सो आज हम एक ऐसे ही जानवरों के बारे में जानेंगे राइट द करेक्ट लेटर टू दो एनिमल्स ओके फर्स्ट वन कैट लाइक द कैनोवर्स मैमल के बिल्ली के समान मांसाहारी स्तन पाई बिल्ली के समान मांसाहारी स्टन पाए सो हमें इसके ऑप्शन यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है इसमें से आंसर हमको ढूंढना है जेब्रा ट्यूकर फोसा स्टार नोस मॉल ग्रेन्यू आई आई डुम्बो ऑक्टोपस ओके सो आंसर कैट लाइक द कैनवर्स मेमल सो आंसर इज सी आंसर सी फोसा सो हम लिखते हैं सी ओके सेकेंड वन दिस मॉल एंथोपॉल हैज द नेम ऑफ द बिग एनिमल अटैच टू इट्स नेम टू ड्यू टू ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन हाफ इट्स बॉडी इस छोटे के शरीर आधे भाग पर काली धारियों के कारण इसके नाम के साथ एक बड़ा जानवर लगा है सो ये क्या हो सकता है हम यहाँ पे हेल्प बॉक्स में आंसर देखेंगे सेब्रा डुकर आ सकता है हाँ यहाँ पे कहा गया है हमको कि इसके साथ एक बड़ा जानवर लगा है उसके नाम के साथ सो यह आ सकता है ना ओके नेक्स्ट इट इज द रॉडन लाइक एंड द ओके के यह कृतक दांत और एक विशेष पतले मध्य के साथ एक नींबू है ओके okay. सो so, हम यहाँ पे आंसर क्या कह सकते हैं चिल्ड्रन दिस आंसर इज एफ आई आई ओके आंसर एफ फोर्थ वन दिस क्रिएचर इज द इज एन एक्सलेंट स्विमियर इट वॉज द फर्स्ट मैमल प्रूवन टू बी एबल टू स्मेल अंडर वाटर कि यह जीव एक उत्कृष्ट है उत्कृष्ट तैराक है यह पहला स्तनधारी था जो सक्षम था पानी के भीतर उसकी स्मेल अंडर वाटर स्मेल पानी के भीतर उसकी स्मेल आते हैं सो दिस इज दिस नेम इज चिल्ड्रन गेस्ट स्टार नोज मोल ओके आंसर डी स्टार नोज मोल सो डी नेक्स्ट सी क्रिएचर इट्स द लिटल माइक्रोबोट्रोव है समुद्री जीव है अपने बालों पर उगने वाले छोटे सूक्ष्म जीवों को खाता है सो दिस ने चिल्ड्रन गेस्ट ओके बी नेक्स्ट वॉटर एनिमल विच हैज द इर लाइक फिन मीन्स पानी वाला जानवर जिसके कान पंख जैसे होते हैं देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके कान पंख जैसे है ना सो दिस ने वॉट इज नेम दिस नेम इज डुम्बो ऑक्टोपर्स जी ओके नेक्स्ट सेवेंथ अल्सोक्नो एज द चिराप गजल इट इज लॉन्ग निक एंटोलॉप ओके एंड टेल ऑफ सो इसे जिराफ गजले के नाम से भी जाना जाता है यह एक लंबी गर्दन वाला मृग है सो वॉट इज आंसर द आंसर इज ई जेरनयोग ओके ई तो इस तरह से हम अजीब जो जानवरों है उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं तो ये यूनिट भी आपको कंप्लीट करना है टेक्स्ट बुक में ओके चिल्ड्रंस नेक्स्ट यूनिट माय इंडिया वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया ओके सो स्टार्ट इंडिया हैज एंड द एबुडेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ सम ऑफ द बीच ऑलरेडी एक्सीडेंट एंड सम ऑफ द विच इज द विच इज द एंड नेशनल पार्क एंड द सेंच्रिस हेल्प अज दॉटेड अवर एनिमल्स लेट अस लर्न मोर अबाउट टैम टूडे ओके सो हम आज भारत का वन्य जीव वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वन्य जीव कि भारत में वन्य जीवों की बहुयात बहुतायत है जिन में से कुछ पहले से ही लुप्त हो चुके हैं और जिन में से कुछ लुप्त प्राय राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों हमारे जानवरों की रक्षा करने में हमारी मदद करता है आइए तो हम आज इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं ओके राइट द करेक्ट लेटर टू नो द स्टेट इन विच इज नेशनल पार्क और सेंचुरी इज लॉक्टेड ओके सो फॉर एग्जाम्पल गे नेशनल पार्क सो गिर नेशनल पार्क उसमें हम देख सकते हैं लायन लाइक दिस लायन ओके सो गिर नेशनल पार्क वो कौन से स्टेट में है सो चिल्ड्रन गिर नेशनल पार्क वो गुजरात स्टेट में है सो so, यहाँ पे हमको हेल्प बॉक्स में ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी ओके सो इसमें से हमको चूज करना है गिर नेशनल पार्क वो कौन से स्टेट में है सो so, गुजरात सो so आंसर इज ए सिंपल नेक्स्ट कोयलाडो घाना कोयलाडो घाना नेशनल पार्क वो कौन से स्टेट में है सो आंसर इज जी बहुत सिंपल है चिल्ड्रन जी यानी कि भरतपुर राजस्थान में है नेक्स्ट झीम कॉर्बेट नेशनल पार्क झीम कॉर्बेट नेशनल पार्क आंसर इज सी उत्तराचल खंड उत्तराचल खंड में है फर्स्ट घीन नेशनल पार्क कहाँ पे है गुजरात में खैलाडो घाना नेशनल पार्क कहाँ पे है तो राजस्थान में झीम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है कौन से स्टेट में है सो so, आंसर इज़ उत्तराखंड उत्तराखंड में है फोर्थ वन पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो फोर्थ वन एच वो केरला में है ओके फिफ्थ वन कान्हा नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क लाइक दिस आंसर इज ई राजस्थान में वो है राजस्थान में सो आंसर ई नेक्स्ट सुंदरा सुंदराबंश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुंदरबंश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो आंसर इज आसम वो है आसाम में आसाम स्टेट में है नेक्स्ट रैंथेम्बोल नेशनल पार्क सेवेंथ रैंथेम्बोल नेशनल पार्क आंसर सी वो भी उत्तराखंड में है नेक्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में है सो so, आंसर वेस्ट बंगाल में आए हैं तो आंसर आया आएगा ओके okay? नेक्स्ट बंदीपुर नेशनल पार्क बंदीपुर नेशनल पार्क वो एलिफेंट के लिए है सो so, आंसर वो कहाँ पे है तो कर्नाटका में सो so, आंसर इस बी सो सिंपल यूनिट चिल्ड्रन तो यहाँ पे आपको ये फिल करना है ओके सो चिल्ड्रन आपको इस तरह से आज हमने जो यूनिट्स पढ़े उसको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना होगा ओके थैंक यू